हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमिक बुक स्टोरीज। ये वीक हमारा आयरन मैन वीक होने वाला है और इस वीक में मैं कोशिश करूंगा जितनी ज्यादा हो सके उतनी बातें आयरन मैन के बारे में आप सभी को बता सकूं। और इसलिए इस वीक का हमारा सबसे पहला वीडियो होगा आयरन मैन की कॉमिक बुक ओरिजिन के बारे में। और ऐसे और भी औसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए अब बिना किसी इंतजार स्टार्ट करते हैं। Tonight was born to fight. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender. आयरन मैन को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था मार्च 1963 की टेल ऑफ सस्पेंस इशू 39 में, और उसे क्रिएट किया था राइटर स्टैनली सर और आर्टिस्ट जैक कर्बी ने। और उसकी ओरिजिन स्टोरी को बताया गया था पहले उसके इंट्रोडक्शन के समय टेल ऑफ सस्पेंस इशू 39 में, और इसी सेम ओरिजिन को दोबारा रिवाइज किया गया 1968 की द इनविंसिबल आयरन मैन इशू 1 में, और फिर 2005 की द इनविंसिबल आयरन मैन एक्सट्रीमिस में। और अब हम चलते हैं आयरन मैन की कॉमिक बुक ओरिजिन स्टोरी की तरफ। एंथनी एडवर्ड स्टार्क, या इन शॉर्ट टोनी स्टार्क, बेटा था स्टार्क इंडस्ट्रीज के मालिक हावर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क का। और वो अपने डैड की तरह हाईली इंटेलिजेंट और जीनियस था, और उसने 15 साल की उम्र में ही MIT में एडमिशन ले लिया था, और 19 साल का होते होते उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल कर ली थी। और उसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद 21 साल की उम्र में ही वो स्टार्क इंडस्ट्रीज का इकलौता मालिक भी बन गया। और फिर एक बार स्टार्क इंडस्ट्रीज के वेपन डिविजन्स के वेपन्स की US आर्मी के सामने वियतनाम में टेस्टिंग के समय टोनी स्टार्क वियतनामी गोरिल्ला वॉरियर्स के बिछाए हुए माइंस के बूबी ट्रैप में फंस जाता है और इंजर्ड हो जाता है, जिससे उसके चेस्ट में माइन का श्रापनल घुस जाता है। साथ ही उसे वियतनामी गोरिल्ला वॉरियर्स पकड़ के अपने लीडर वांगचू के पास ले जाते हैं, और वांगचू टोनी से डील करता है कि अगर वो उनके लिए नए वेपन्स डिजाइन करने के लिए तैयार हो जाए तो वो टोनी के लिए डॉक्टर्स का इंतजाम कर देगा जो कि उसके सीने से श्रापनल निकाल के उसे बचा सकते हैं। पर टोनी समझ जाता है कि अगर वांगचू को उसे बचाना ही होता तो वो पहले ही डॉक्टर्स को बुला चुका होता और उसे बचा लेता, ताकि वो हमेशा उसका प्रिजनर बनके उसके लिए वेपन्स डिजाइन करता रहे। और टोनी वांगचू के डबल क्रॉस को समझ के उसके लिए वेपन्स डिजाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर वेपन्स डिजाइन करने की बजाय टोनी अपने साथी प्रिजनर प्रोफेसर येंसन के साथ मिलके एक मैग्नेटिक चेस्ट प्लेट बनाता है जो कि श्रापनल्स को उसके दिल तक पहुंचने से रोक सके। साथ ही वो येंसन के साथ मिलके वहां से भागने के लिए एक मेटल आर्मर भी क्रिएट करता है। मगर आर्मर के पूरी तरह से फंक्शनल होने से पहले ही वांगचू टोनी के प्लान्स को समझ जाता है और उसके आदमी टोनी को रोकने की कोशिश करते हैं। मगर प्रोफेसर येंसन अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके टोनी को इतना टाइम दे देते हैं कि वो आर्मर को कम्प्लीट कर सके। और आर्मर कंप्लीट करने के बाद टोनी वांगचू के आदमियों को खत्म करके और उसका बेस डिस्ट्रॉय करने के बाद वहां से निकल जाता है, और इंजर्ड हालत में फाइटर पायलट जेम्स रोडी रोड से मिलता है और फाइनली वापस अमेरिका पहुंचता है। और वहां डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसके सीने में घुसे माइंस के श्रापनल्स को निकालना इम्पॉसिबल है, और अगर उन्हें निकालने की कोशिश की गई तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, और इसलिए टोनी को हमेशा वो मैग्नेटिक चेस्ट प्लेट पहन के ही रहना होगा। और फिर टोनी अपनी इस वीकनेस को स्ट्रेंथ बना के अपने आर्मर के साथ लोगों को प्रोटेक्ट करने और विलन से लड़ने का डिसाइड करता है। और फिर दिसंबर 1963 की टेल ऑफ सस्पेंस इशू 49 में मिस्टर डॉल से लड़ते समय आर्मर के भारी होने की वजह से टोनी मरने से बाल बाल बचता है, और ये देखकर वो अपने आर्मर को हल्का बनाने में लग जाता है। और फाइनली कम्प्लीट हो जाने के बाद हमें पहली बार देखने को मिलता है आइकॉनिक रेड एंड गोल्ड आयरन मैन आर्मर। और टाइम के साथ आयरन मैन के आर्मर में कई सारे चेंजेस और इम्प्रूवमेंट्स होते रहे, और मैग्नेटिक प्लेट की जगह ले ली आर्क रिएक्टर ने। साथ में टोनी ने लड़ाई में मदद के लिए नए AI सिस्टम्स भी डेवलप किए, जैसे जार्विस और फ्राइडे। वैसे आर्क रिएक्टर और जार्विस को एज एन AI सबसे पहले आयरन मैन 1 मूवी में इंट्रोड्यूस किया गया था। और सिर्फ जार्विस की बात करें तो जार्विस एक्चुअली कॉमिक्स में टोनी का बटलर था, ना कि एक AI। पर बैटमैन के बटलर एल्फ्रेड से सिमिलैरिटी की वजह से डायरेक्टर जॉन फेवरो ने जार्विस को एक AI कैरेक्टर में बदल दिया, और फिर कॉमिक्स में भी जार्विस को एज एन AI शो किया जाने लगा। और इसी के साथ आयरन मैन की कॉमिक बुक ओरिजिन यहीं खत्म होती है। और अब हम बात करते हैं आयरन मैन की पावर्स के बारे में। तो आयरन मैन की मेन स्ट्रेंथ है उसके आर्मर्स, मगर उनके बिना भी टोनी एक जीनियस करोड़पति रोमियो समाज सेवक है। और अपने हाई इंटेलिजेंस और जीनियस ब्रेन की वजह से टोनी ने अपने लिए ऐसे ऐसे आर्मर्स क्रिएट कर रखे हैं जिनसे वह गैलेक्टस से लेके फीनिक्स फोर्स तक से लड़ सकता है। और टोनी के मोस्ट पावरफुल आर्मर्स में शामिल हैं हल्क बस्टर आर्मर, थॉर बस्टर आर्मर,
आयरन मैन एक्सट्रीमिस आर्मर जो कि एक्सट्रीमिस वायरस की वजह से टोनी की बॉडी से इंटरनली कनेक्टेड था और टाइम आने पे अपने आप उसकी बॉडी के अराउंड फॉर्म हो जाता था। और बाकी मोस्ट पावरफुल आयरन मैन आर्मर्स की बात हम इस वीक आने वाले बाकी वीडियोस में करेंगे। और इसी के साथ हमारा ये आयरन मैन का कॉमिक बुक ओरिजिन का एपिसोड यहीं खत्म होता है और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू एंड गुड बाय। Till I get up, time is barely on our side.